जनपद उधम सिंह नगर के नानक मत्ता में उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व खटीमा विधानसभा के प्रभारी एसएस कलेर के बेटे स्वर्गीय सिकंदर जीत सिंह कलेर की अंतिम अरदास आज नानक मत्ता गुरुद्वारा में संपन्न हुई, जिसमें दिल्ली से आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, विजय सिसोदिया, फूल मंडी चेयरमैन गाजीपुर भी पहुँचे और आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया, कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली, शिशुपाल सिंह रावत, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तमाम पहुंचे। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस दुख की घड़ी में ईश्वर एसएस कलेर को हिम्मत दे और आगे बढ़ने की ताकत दे। जो हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष एसएस कलेर साहब हैं, उनके बेटे की स्वर्गीय सिकंदर जीत सिंह कलेर की आज अंतिम अरदास थी, तो हम सभी लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। और हमारे दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं माननीय हमारे मनीष सिसोदिया जी, वो भी यहाँ पर श्रद्धांजलि उन्होंने भी दी। हम सभी प्रदेश के उत्तराखंड के जितने भी आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग अपनी ओर से प्रार्थना करी है, श्रद्धांजलि दी है कि कलेर साहब को इस दुख की घड़ी में भगवान ऐसी इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और जो उनकी कार्यशैली है, जो अपना उनका जो उन्होंने अपने प्रदेश उत्तराखंड के लिए जो चीज़ सोची है, उसके लिए वो आगे की रणनीति के लिए तैयार रहें।